अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया है। उन्होंने 87.58 मीटर का थ्रो करके यह गोल्ड मेडल हासिल किया और अब भारत के सुमित अंतिल ने भी टोक्यो पैरालंपिक्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए भाला फेंक क्लास F64 वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। सुमित ने फाइनल में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए 68.55 मीटर का थ्रो किया है और स्वर्ण पदक जीता है। ये भारत का अब तक का दूसरा गोल्ड मेडल है। आप सुमित की इस जीत के लिए कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।